आर्ट क्लासेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे। मेरा नाम है रणवीर। आर्ट क्लासेस पाठशाला के टीचर की तरफ से आप सभी को केवीएस का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, टीजीटी, पीजीटी या अदर एग्जाम, सभी के लिए सभी को हमारी तरफ से, आर्ट क्लासेस पाठशाला की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ बातें शायद आपको न पती हों, इस पता हों इसलिए आपको हम यह बातें बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होने आया, मतलब सीबीटी मोड पे होना है, जो ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ये आप सभी को पता है। दूसरी बात बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में होते हैं 1/4, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो या 4-3 प्रश्न गलत करते हो तो आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर किसी और के सेकेंड या थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो पेपर में किसी भी प्रकार का न्यूनतम अंक क्वालिफाई जैसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब इतने प्रश्न इतना सॉल्व करना है, जैसे होता है यूपी टेट या सी टेट में कि 90 प्रश्न आपको 90 नंबर या 90 प्रश्न करने हैं तभी आप क्वालिफाई होगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल पेपर आपको अच्छे अंक लाने हैं, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप सीडीपी में अच्छा ले आओ, अपने अपने सब्जेक्ट में ले आओ, या फिर रीजनिंग, मैथ, किसी में भी ले आइए, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब किया कि हर सेक्शन में पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार किसी को कंफ्यूजन है तो उसको अपने दिमाग से क्या कर दो, निकाल दो, ठीक है। अगर आगे पॉइंट्स की बात करते हैं, तो एग्जाम जब आप जा रहे हो तो अपना एडमिट कार्ड हो सके तो कलर प्रिंट करवा लेना, ठीक है। कलर प्रिंट करवा लेना और उसके साथ एक अपना फोटो का आईडी, गवर्नमेंटेड आईडी होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अलाउड नहीं होगा, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को आप एक रख सकते हो, ओरिजिनल रख लो और अच्छी बात है, या तो फोटो कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। आप उसके साथ एक पेन लेके चले जाइएगा, उसके साथ हो सके तो एक फोटो, क्योंकि कहीं पर फोटो मांगते हैं, अगर आपके आधार कार्ड में फोटो सही नहीं है तब, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, आप व्हाइट ब्लैक पहन जाओ या फिर कोई अदर्स, ठीक है, तो कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। आप अपनी तरह से एक अच्छे से कपड़े पहन सकते हो जो आपको अनुकूलता या आप लोगों को मतलब एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की परेशानी उससे ना हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारे भाई हैं जो बेल्ट का इस्तेमाल करते हो, बेल्ट या पर्स वगैरह, ठीक है, या ये अंगूठी वगैरह, ऐसी चीजें आपको पहन के नहीं जानी है। कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेके नहीं जाना है, उसको बाहर कहीं निकाल कर रख दीजिएगा। हालांकि वहां पर बैग और मोबाइल वगैरह रखने की पूरी कॉलेज के आसपास दुकानें होती हैं, या कॉलेज वाले खूब इसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है। 10-20 रुपए लेते हैं, आपका मोबाइल बैग वगैरह जमा हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग बेल्ट पहन जाते हो तो बेल्ट उतरवा कर वो लोग रखवा देते हैं। दूसरी बात, भाई जो हमारी बहनें होती हैं बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह पहन लेती हैं, ठीक है। तो बहनें जितनी भी सुन रही हैं, हमें अपनी ज्वेलरी मत पहन के जाना। जो बहन जिन बहन की शादी हो चुकी है वो शायद मंगलसूत्र भी उतरवा देते हैं। आप कोशिश करिएगा, आपको इसको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर सको तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, और जैसे आप लोग नाक कान कुछ भी पहन जाते हो तो वो लोग वहाँ पर निकलवा देते हैं, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, फालतू की मतलब जैसे वो लोग बहस वगैरह करने लगे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपने माइंड को पूरी तरह से कूल रखना है, मतलब ठंडा दिमाग रखना है, ताकि आप अपना पेपर में अच्छे से अच्छा फोकस कर सको, ठीक है, इस बात को याद रखना है। दूसरी बात, ऑनलाइन एग्जाम में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, बस लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये या तो मांगते हैं, या तो जो आपका रोल नंबर होता है वो इंटर करना पड़ता है, और वो क्या हो जाता है, लॉग इन हो जाता है, ठीक है। अगर और अगर हम बात करें तो उसके अलावा कि जैसे अगर हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़, ठीक है। हालांकि 1 मिनट लगता है पेपर से पहले स्टार्ट होने में, वो दिशा निर्देश आ जाती है, उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा बेटा, और अगर कोई दिक्कतें आती हैं, ठीक है, तो वहां पर जो होते हैं टीचर्स होते हैं जो टहलते रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, आप उनसे बता सकते हो, ठीक है। समय की जो दिक्कत होती है, समय को देखते हुए अपने पेपर को सॉल्व करना है आपको, क्योंकि एक जो समय होता है उसके अंदर ही आपको पेपर सॉल्व करना है। दूसरी बात, जब आपका पेपर सॉल्व हो जाए तो एक बार सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है, या फिर ये चेक कर लेना कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं है। बस एक चीज का और एक चीज याद रखिएगा कि निर्देश सही से पढ़ना, और जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को सही से पढ़ना बेटा, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न पत्र जो आपका आएगा द्विभाषी होगा, एक आपकी लैंग्वेज का और एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना, ठीक है।
अगर आपका जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है उस लैंग्वेज पर अपना पेपर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाना, ऐसा ना हो कि बहुत सारे एग्जाम हॉल में ऐसा होता है कि वो लोग गेट ऑफ कर देते हैं फिर एंट्री नहीं देते हैं, ठीक है। तो अपना समय से पहुंचना, ठीक है, क्योंकि अगर एक थोड़ा सा लेट हो जाते हो आप, तो आपकी तैयारी जो होती है ना बहुत आपको पीछे कर देगी, ठीक है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना, अंतिम टाइम का मतलब ये मत सोचना कि अरे अंतिम समय है पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है ट्रैफिक में फंस जाओ या फिर कुछ और चीजें जो आपको प्रेजेंट टाइम पे जिस चीज की आपको जरूरत होती है फिर नहीं हो पाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे अगर बात करें तो आपको हमारी तरफ से आर्ट क्लासेस पाठशाला की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बहुत सारी ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचिए, ठीक है। और एक बात और, आप एग्जाम देने के बाद अपना जो फीडबैक है हम तक जरूर पहुंचाइएगा व्हाट्सएप के थ्रू या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भेजकर, ठीक है, याद रखिएगा। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक पानी की बोतल ले लेना, अगर वाइट वाली जो बोतल में आती है 10 रुपए वाला वो ले लीजिएगा, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 1% भी आपको घबराना नहीं है, पूरी तरह से कूल होके जाना है, शांत होके जाना है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आज भर आपको टाइम है, कल आपका पेपर है, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपको फिर से आर्ट क्लासेस पाठशाला और मैं रणवीर सर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है, यही हमारी ऊपर वाले से और मेरी तरफ से सभी की तरफ से आशीर्वाद और बात है, ठीक है। चलो सभी को राधे राधे, सभी को टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।